नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, हाथ जोड़कर कहता हूँ, शांत रहना। ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है कि पूरे गली मोहल्ले में तांडव मचेगा। जी हाँ, चुपचाप अकेले किसी कोने में बैठकर देखना। दोस्तों, आपको बता दें कि आप सभी के जीवन काल में जो खुशखबरी मिलने वाली है, यह खुशखबरी सबको हैरान कर देगी और सबको हिलाकर रख देगी। दोस्तों, रातों रात आपकी किस्मत बदलेगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी खास है और ग्रह गोचर के आधार पर इस वीडियो का निर्माण किया गया है, जिसमें हम आपको बताएंगे आने वाले 24 घंटे में आपके लव लाइफ, स्वास्थ्य, कैरियर और धन की स्थितियों के बारे में। वीडियो के बीच बीच में कुछ विशेष सावधानियां बताएंगे और अंत में शुभ रंग और शुभ अंक भी बताएंगे। इन्हें जानकर इस दिन को और भी ज़्यादा खास और लाभकारी बना सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके समय को ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को प्रारंभ करती हैं। उससे पहले भगवान श्री सूर्य महाराज के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय सूर्य महाराज जरूर लिखें। भगवान सूर्य महाराज का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं। दोस्तों, यह समय ग्रह गोचर तथा भाग्य दोनों ही आपके पक्ष में है। इनका लाभ उठाएं और इनका अधिक से अधिक सदुपयोग करें। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें, यह समय किसी दीर्घकालीन लाभ की योजना पर काम शुरू हो सकता है। पिछले कुछ समय से चल रही चिंता से भी राहत मिलेगी। आपकी सफलता का रास्ता खुल सकता है, जिसमें आपको लाभ प्राप्ति के साथ साथ उत्साह व ऊर्जा का भी संचार होगा। समय आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। वही दोस्तों, अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय व्यापार तथा पारिवारिक गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाने में कुछ परेशानी महसूस कर सकती हैं। ऐसे में आपको अपने परिचित व्यक्तियों पर भरोसा ना करना होगा। इससे आप मुसीबत में पड़ सकती हैं और परेशानी आपके सर पड़ सकती है। कोई झूठा आरोप या कलंक भी आपके ऊपर लग सकता है, इसलिए आपको इस समय कोई भी गलत काम करने से बचना होगा, अन्यथा दिक्कत हो सकता है। साथ ही दोस्तों, घर में मांगलिक प्रसंग व शुभ आयोजन की प्लानिंग बन सकता है। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से चिंता चल रही थी, तो वह आपकी काफ़ी समय से दूर होगी। नवीन कार्यों के प्रति भी देखिए बनेगी और यह समय अपनी बौद्धिक क्षमता की भी लोग सराहना करेंगे। कुल मिलाकर दिन मानसिक सुखांति में पूर्ण होगा और इस समय देखिए व्यर्थ की गतिविधियों में अत्यधिक खर्च होने का भी योग बन रही है। आपको इस समय अपने बजट का ध्यान रखकर चलना होगा और खर्चों में कुछ विराम लगाकर चलना होगा। आपके कुछ लोग आपके लिए रुकावटें व विरोध उत्पन्न कर सकता है, इसलिए किसी की शिपनी से आप बुरी बातों में आपको समय नहीं लगना होगा। साथ ही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें, कामकाज में व्यस्तता के अलावा आप देखिए परिवार व दोस्तों के मौज मस्ती व मनोरंजन में भी समय व्यतीत करेंगे। कहीं से गिफ्ट की कीमती चीज़ भी आपको मिल सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ भविष्य संबंधी गतिविधियों को लेकर कुछ योजनाएँ बनेगी। यह समय लेन देन के मामलों में आप कुछ समय किसी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। आपको ऐसे में शांत रहना होगा और अपने गुस्से की बजाय शांति से समस्या का हल निकालने के प्रयास करें, ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। कानूनी मामलों में अभी आपको लापरवाही करने से बचना होगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। अपने कार्यों में अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथी दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें, आसपास की गतिविधियों में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। इससे जान पहचान और संपर्क का दायरा बढ़ेगा। आपके द्वारा किया गया कोई भी महत्वपूर्ण काम देखिए सही तरीके से काबिल रहेगा और दिन का कुछ समय हास परिहास व मनोरंजन में भी समय व्यतीत होगा। देखिए आर्थिक परिवेश की कोई खास सकारात्मक परिणाम आपको समय मिल सकता है।
नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल अवश्य कर लें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। और संबंधियों के साथ किसी भी तरह का सहयोग की उम्मीद अभी आप ना रखें, बल्कि अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास करके आपको सफल रहना होगा। वही दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय किसी अधिकारी या राजनीतिज्ञ से मुलाकात होने पर आपके कई व्यवसायिक कार्य हल हो जाएंगे। कोई बड़ी डील या ऑर्डर मिलने की संभावना है, इसलिए अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही दोस्तों, नौकरी में कोई महत्वपूर्ण कार्यभार की वजह से आपकी भी काम करना पड़ सकता है। साथी दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, यह समय प्रॉपर्टी संबंधित बिजनेस में महत्वपूर्ण डील हो सकता है। व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को इस समय बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। सरकारी सेवारत लोग क्लाइंट के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद में अभी आप ना पड़े। इस समय आपको छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना होगा, खासकर किसी दूसरों की बातों में लगने से आपको बचना होगा, अन्यथा मन हानि की आशंका लग रही है। साथ ही दोस्तों, आपके किस्मत के सितारे बता रहे हैं कि यह समय बिजनेस में विस्तार की योजना पर काम शुरू होगा। देखिए, नई मशीनरी व तकनीक आदि का भी प्रयोग संबंधित कार्य प्रणाली पर विचार विमर्श होगा। किसी व्यवसाय की यात्रा पर भी प्रोग्राम बन सकता है और यात्रा आपके लिए फायदेमंद और काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय पति पत्नी मिलकर घर की चल रही किसी समस्या का हल निकालेंगे। प्रेम संबंधों में उजागर होने का खतरा बना हुआ है, सावधान रहें, इस समय सतर्क रहें, ये आपके लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, यह समय परिवार में बड़े बुजुर्गों का स्नेह व आशीर्वाद बना रहेगा। प्रेम संबंधों में अधिक से अधिक नज़दीकियां आएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, यह समय अपने माता पिता का अधिक से अधिक ख्याल रखें और अपने बच्चों पर कड़ी से कड़ी नज़र रखना अति आवश्यक है। वह कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी गलत संगति के कारण उनका जो है कैरियर खराब हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी हेल्थ यानी कि सेहत को लेकर बात करें तो यह समय अत्यधिक भाग दौड़ तथा मेहनत का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। थकान और कमजोरी जैसी स्थिति महसूस हो सकती है। कुछ समय अपने स्वास्थ्य के प्रति जरूर लगाएं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं शुभ रंग और शुभ अंक की। तो आज आपका शुभ रंग है आसमानी कलर, भाग्यशाली अंक आज आपका 2 है। दोस्तों, जानकारियों से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में कहिएगा जय माता दी।